के पर हक सहाबा बेशक सतर मेरे साथ मिल के पढ़नी है। अगर गला ज्यादा खराब है तो लफ्ज सहाबा मेरे साथ मिल के पढ़ना है। बर हक ईमान वालों ईमान वाली आवाज गूंजे बर हक गैरत बन बन के बोले बर हक सहाबा बेशक सहाबा बर हक सहाबा बेशक सहाबा कुरान सावे वादा किया था वफादार बन के वादा निभाए बरहक सहाबा बेशक सहाबा बरहक सहाबा बेशक सहाबा कुरान सावे उनके सहाबा का सरदार आवे बरहक सहाबा बेशक सहाबा सईदे सहाबा सच दी दलील इन्ना दे दुश्मन रुसवा दलील सईदे सहाबा सच दी दलील इन्ना दे वेरी रुसवा दलील सुअर कबील बिल्कुल कलील सुअर कबील बिल्कुल कलील रब सही मुकारे उनके सहाबा का सरदार आवे पर हक सहाबा बेशक सहाबा पर हक बड़ा खुसूसी शेर है मेरे करीब करीब आ जाए रह ना जाए कि नशियान कीता हाओ बेहाले नशियान कीता हाओ बेहाले जाते सहाबात करता इतने खौफनाक हैं कि अगर गली में बच्चे को माँ बुला रही हो कि बेटा घर के अंदर आ जाए बच्चा नहीं मानता। ये बला दूर से रोड से उतरती भी नजर आए बच्चे डर के मारे रजाकाराना तौर पर खुद घर में पहुंच जाते हैं। अकलू भी चट हैं शक्लू भी सहाबा का दुश्मन उसके चेहरे पर कभी नूर नहीं होगा उसका चेहरा भी सिया उसका मन भी सिया करूंगा कि अकलू भी चट हैं शक्लू भी चट हैं दुश्मन सहाबा ते मछली ओए बुरी से अकबर अल्लाह बचावे मुनकर सहाबा का सरदार आवे
कोई चारा नहीं वो लोग करे हक सहाबा बेचक सहाबा करे हक सहाबा बेचक सहाबा। इसे समझने के लिए जरूरत तो है बादाम खाने की, चलहोजा अखरोट खाने की, लेकिन कोशिश करेंगे हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, दुआ करेंगे इनके बगैर ही काम चल जाए। मैं धोखेबाज के चेहरे से नकाब उतारते हुए अर्ज करूंगा कि अब्बास नाल तेरे की झेरे सैयद हसन नाल क्यों तेनू मेरे। आपको शेर बिल्कुल समझ नहीं आया, कहो बेशक क्या किया जाए, किसी डंडे वाली सरकार को बुलाया जाए। उसने इत्तेफाक या सूए इत्तेफाक अब्बासी साहब के हाथ में या मुफ्ती साहब के हाथ में डंडा नहीं है। अर्ज करूंगा जिसको मैं सुनाना चाह रहा हूँ उसे खूब खूब समझ आएगा कि अब्बास नाल तेरे की ये झेरे सैयद हसन नाल क्यों ते परचम बना कर बुलंद आवाज से बोले पर हक सहाबा बेशक